मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए। इन 100 दिन में मोदी सरकार ने न केवल ऐतिहासिक फैसले लिए बल्कि अपने कई कदम से लोगों को चौंका भी दिया। तीन तलाक से लेकर जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 पर सरकार ने जो कदम उठाए वो अभूतपूर्व है। पीएम मोदी अपने चाहने वालों के दिलों में हैं, तो विपक्ष के निशाने पर भी। आइए जानते हैं कि अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने क्या फैसले लिए हैं। तीन तलाक से निजात। नरेंद्र मोदी सरकार ने लगातार दूसरी बार सत्ता में आते ही सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से निजात दिलाने का कदम उठाया। मोदी सरकार ने तीन तलाक पर पाबंदी के लिए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया। इस तरह से 1 अगस्त से तीन तलाक देना कानूनन जुर्म बन गया। आर्टिकल 370 हटाया गया। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे ऐतिहासिक फैसला जम्मू कश्मीर को लेकर लिया, जो जनसंघ के जमाने से उसकी प्राथमिकता रहा है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने का कदम उठाने के साथ साथ राज्य को दो हिस्सों में बांटने का काम भी इसी कार्यकाल में हुआ। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कश्मीर में एक देश एक विधान और एक निशान लागू हो गया है। मोटर व्हीकल कानून। ट्रैफिक नियमों को कड़ा बनाने और सड़क हादसों को रोकने के लिए देश में मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू किया गया। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया। यूएपीए एक्ट में संशोधन। नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवाद पर लगाम कसने के लिए यूएपीए यानी कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम संशोधन विधेयक 2019 को संसद से अमली जामा पहनवाया। यूएपीए कानून के तहत मोदी सरकार ने मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर और जकीउर रहमान लखवी को आतंकी घोषित किया है। बैंकों के विलय का फैसला। देश में आर्थिक सुधार की दिशा में कई अहम कदम उठाए गए हैं। सरकार ने 10 सरकारी बैंकों के विलय करके 4 बड़े बैंक बनाने का ऐलान किया है। जल शक्ति मंत्रालय का गठन। जल संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए एकीकृत मंत्रालय का गठन किया जाएगा। यही वजह रही कि सत्ता में आते ही नरेंद्र मोदी सरकार ने जल संसाधन और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय बनाया है। देश के हर भारतीय को साफ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल शक्ति अभियान के तहत 256 जिलों के 1592 खंडों की पहचान की गई है। मोदी का मिशन फिट इंडिया। नरेंद्र मोदी सरकार देश की जनता को फिट रखने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री ने खेल दिवस के अवसर पर फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। इसके तहत स्कूल, कॉलेज, जिला, ब्लॉक स्तर पर इस मूवमेंट को मिशन की तरह चलाया जाएगा। अपने दूसरे कार्यकाल में जहां पीएम मोदी ने कई अहम कदम उठाए हैं, तो वहीं अभी भी सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।